हो जाता हूँ जो अद्भुत है कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी हो सकता है। किसान का बेटा मवाली नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। अश्वनी सर, सबसे कम एनपीए किसानों का है। जो लोग किसानों की कर्ज माफी की बात करते हैं ना, वो झूठ बोलते हैं। 0.2% एनपीए केवल किसानों का, किसान अपना कर्जा क्या लिवाई चुकाता है। आपके सम्मान में बोल रहा हूँ कि कुछ भी हो सकता है, किसान का बेटा मवाली नहीं हो सकता। अरे कवि तो युग दृष्टा है, वो सवाल ही नहीं हो सकता। अरे लाभकर बनकर के पैसा औरतों पे कई लुटा देते हैं, जो शिक्षा के लिए काम करते हैं ऐसा दूसरा ख्याली नहीं हो सकता। मैं बुलाना चाहता हूँ भाई ख्याली को, जोरदार तालियां बजाए। ख्याली द ग्रेट लाभकर के हवर ख्याली। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सीटी किसने मारी भाई? आदमी को देख के आदमी सीटी मारे, ये अच्छी बात थोड़ी है। जयपुर है तो क्या हुआ, यहाँ की संस्कृति तो महान है पूरी दुनिया में। सो गुड इवनिंग, नमस्ते, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी ठंड। वाह, ठंड का मौसम भी शुरू हो गया ना। और सारे आप डोगमा के जितने युवा साथी हैं, बहुत भागा दौड़ी करते हो आप, ठंड का भी ध्यान नहीं रखते। आंख में आंसू पहुंचने वाले हजारों मिलेंगे, ठंड में अपना ध्यान रखना दोस्तों, नाक पहुंचने वाला कोई नहीं मिलेगा। क्या बात है। सो कमल जी ने मेरी तारीफ की, फिल्म आर्टिस्ट और लाफ्टर वाले और समाज सेवक, और इतनी तारीफ करके मुझे आपकी नजर में उठाया। भगवान इनको उठाए, मैं नजर की बात कर रहा था। और मुकेश जी ने बहुत अच्छी कविताएं सुनाई। अच्छा मुकेश जी को देखो, गौर से देखो, ऐसे नहीं लग रहा है कि राम मंदिर का ठेकेदार तो मिल गया, खाली सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है। क्या बात है। लेकिन इतने जोश के साथ महाराणा प्रताप, अच्छा आप भी एक दो सुना गए थे महाराणा प्रताप पे। शुक्र है इस ऑडिटोरियम का नाम, ऑडिटोरियम का नाम ख्यालीराम भवन नहीं था, वरना इन्होंने 5-7 गजलें मेरे पे भी ठोक देनी थी। क्योंकि कवि है ना, जहां जो माहौल देख लेते हैं उसको फिर ये पिरो ही लेते हैं मोतियों की तरह शब्दों में, और पेश करने में चूकते नहीं है। लिटरेचर के ये वो विद्वान है सारे, फिल्म का टीवी का हम काम करते हैं, जितने भी स्टार आते हैं अगले दिन उनकी फोटो छपती है। मैं कहीं कवि सम्मेलन या लिटरेचर की बातें करता हूं तो इन महान संतों की अगले दिन बातें छपती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इनके एक एक शब्द छपते हैं और लोग उनको पढ़ते हैं देखते हैं। सुरेंद्र शर्मा जी आदरणीय पद्मश्री, मैं लाफ्टर शो में आने से पहले भी इनके सानिध्य में मुझे बहुत मौका मिला स्टेज करने का, और मुझे आज भी याद है 1994 में श्री गंगानगर में जब मैं एक स्विमिंग पूल पे चौकीदार की नौकरी करता था, तो वहाँ सुखाड़िया सर्किल पे एक कवि सम्मेलन हुआ जिसमें सुरेंद्र शर्मा जी मुख्य अतिथि थे, और मैं उस भीड़ में लगभग पिछली लाइन पे ही खड़ा था, और उस पिछली लाइन से मुझे सुरेंद्र शर्मा जी तक पहुँचने के लिए 18 साल लग गए, लेकिन मैंने वो प्रयास हमेशा जारी रखा कि एक दिन इनके सानिध्य में मुझे मौका मिले, और बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज मैं इनके बराबर बैठा हूँ। अच्छा इनको गौर से देखो, सुरेंद्र शर्मा जी को ऐसे नहीं लग रहा चीनियों के भगवान बैठे हैं। वाह वाह वाह, बिना एक्सप्रेशन के, बिना भाव के ये अपनी सारी बातें बोल देते हैं, और ये तो कहते भी हैं कि शादीशुदाओं का मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ, क्योंकि ये पहले आदमी है जो औरत से डरते नहीं है। इन्होंने एक सर्वे करवाया था कि औरत से कितने लोग नहीं डरते, तो 40% लोग मतलब डरते हैं औरतों से, 60% ने भाग ही नहीं लिया था उस कंपटीशन में। क्या बात है। तो आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी के साथ मुझे आज और ही ज्यादा हर्ष लग रहा है। और सरल संपत जी लेक्चरार भी हैं, मुझे पहली बार, सर मैं आपके साथ तो पहली बार ही कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं, और आपके जो चेहरे के दाग देख के लगता है मुझे ओमपुरी की कभी कमी नहीं महसूस होती। चेहरा एक जैसा ही है इनका, और बड़े अच्छे प्यारे स्टाइल, तो सर ऐसे कि अंदर रूह तक कांप जाती है कई बार, खास करके दुबई के जो शोज मैंने देखे, बहुत ही अच्छे, लाजवाब। एक बार जोरदार तालियां इन सब महान कवियों के लिए।
डॉगमा सॉफ्टवेयर की सारी टीम पिछले 9 साल से एक छोटे से काम से 1500 रुपए का बिजनेस शुरू किया था और आज करोड़ों का लेन देन होता है। आप सब दोस्तों की मेहनत मेहरबानी के जुल्म व सितम से तब तब के निखरने वाले बेड़ियां तोड़ के महलों को जकड़ सकते हैं, जिन्हें पाला हो डोगमा के उजालों ने वो दीवाने हुकूमत को बदल सकते हैं, दीवाने हुकूमत को बदल सकते हैं। सो ऐसा जोश में 9 साल पहले इनका जो पहला अनुअल शो था वो भी मैं करने आया था, आज भी मुझे फिर ये मौका मिला। बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि राजस्थान की धरती से हूँ और राजस्थान में जब इस तरह का महोत्सव हो तो और ज़्यादा मज़ा आता है। मैं डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ में, छोटा सा गांव है मेरा बड़ोपल जहाँ मैं पैदा हुआ, हालांकि मैं वहाँ पैदा हो नहीं रहा था। क्या बात है। नहीं नहीं, मेरी बात पहले अमेरिका चली थी, फिर मैं सोचा वहाँ से आना जाना थोड़ा मुश्किल रहेगा तो क्यों ना फिर यहीं कोशिश करें। क्या बात है। तो मेरे पे विश्वास नहीं करते लोग, क्योंकि हमारा हनुमानगढ़ है ना वो हरियाणा पंजाब राजस्थान की बॉर्डर है, तो कोई मुझे पंजाब का समझता है, कोई हरियाणा का समझता है, तो लोग पूछते हैं कि जी राजस्थान में आप क्या निशानी राजस्थान वालों की, मगर जी हमारे बहुत प्रेम है, बहुत प्यार है। बोला कैसे पता लगेगा कि हम राजस्थान में आ गए, मगर भाई एक बीड़ी को 4 आदमी पीते हुए मिल जाए, वाह, तो हमारा राजस्थान शुरू हो गया। और राजस्थान के बारे में सबसे अच्छी लाइन के सोनेरी धरती जठे चांदी सो आसमान, रंग रंगीलो मन भावनो महारो राजस्थान। राजस्थान का कल्चर दादा आपके सामने पेश कर रहा हूं, क्योंकि मैं 99% लोगों का मैटर बोलता हूँ, 1% जो मैंने लिखा है वो भी बोल देता हूँ। तो राजस्थान का कल्चर मैंने लिखा कि ऊंची ऊंची धोती बांध है, सिर पर बांध है पागड़ी, सांड ने गोद लियो के ऊंट ने बोले डागड़ी, तीनों टेम रोटी खावे घणी पीवे राबड़ी, और टाबरा के नजर न लगे कमर में बंद है तागड़ी। आए है के कॉलेजा में जावे छोरा नीचे रखे गाड़ी, आजकल कॉलेजों में बच्चे मोटरसाइकिल कार के बिना नहीं जाते, कॉलेजा में जावे छोरा नीचे रखे गाड़ी, बापू जी ने आयो गुस्सो लिया ढूंढ के लाडी, आए साल एक टाबर लोकल होगी गाड़ी। कॉलेजा में जावे छोरो नीचे रखे गाड़ी, बापू जी ने आयो गुस्सो लिया ढूंढ के लाडी, कॉलेजा में जावे छोरो नीचे रखे गाड़ी, बापू जी ने आयो गुस्सो लिया ढूंढ के लाडी, आए साल एक टाबर लोकल होगी गाड़ी, छोरो खरबूजा बरगो हो गयो फाड़ी फाड़ी हो गयो फाड़ी फाड़ी। राजस्थान का कल्चर, राजस्थान की हर अदायगी बहुत ही अच्छी लगती है। बैठ जाओ भाई साहब, गैस प्रॉब्लम है। अच्छा नहीं नहीं, आप सही टाइम पे आए हो, हमने जल्दी शुरू कर दिया। तुम्हारे अतिथि महोदय जितने यहाँ पधारे हैं, आप सब डोगमा परिवार के लोग यहाँ पे आए हैं, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए फिर थोड़ा शुरू करें बातें। वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। राजस्थान का इतना महत्व है, इतनी महानता है कि यहाँ लगभग 200 देशों के टूरिस्ट यहाँ घूमने के लिए आते हैं अपने राजस्थान के कल्चर देखने को। और दादा बड़ोपल जो मेरा गांव है वहां पे एक सपेरों का गांव है पूरा, तो कुछ दिन पहले 41 अंग्रेज आ गए उनकी मैरिज के ऊपर सर्च करने के लिए, तो वो अंग्रेज घूमते घूमते मेरे गांव में भी आ गए, कुदरती में गांव गया हुआ था, तो गांव वालों ने धक्का मार के मेरे को आगे कर दिया, बोला दिस इज बॉम्बे स्पीको। अब स्पीको क्या, मेरे तो नाम से ही पंगा शुरू हो जाता है, किसी का फोन आता है कौन बोल रहे हैं, ख्याली कौन ट्राली, ट्राली नहीं भाई साहब ख्याली, अच्छा प्याली। तो वो अंग्रेजनी ने सबसे पहले मेरे से नाम ही पूछ लिया, व्हाट इज योर नेम, मगर जी माय नेम इज ख्याली, काली, मगर जी काली नहीं ख्याली, खै ये आगे डंडा लह एक ही मात्रा ख्याली, आई नो काली, ठीक है भाई, किसने रखा ये नाम। अब नाम आप जानते हो राजस्थान में कौन रखता है, तो मैंने कहा जी मका जिसने मेरी माँ को रखा उसने मेरा नाम रखा, आई मीन से माय डैडी जी, ओह नाइस, तुम फायदा कैसे हुए, वाह वाह वाह, मैम का कैसे हुए क्या मतलब, तू तरीका पूछ रही है कि हादसा पूछ रही है, नो नो आई मीन से तुम फायदा कहाँ पे हुए, मैं राजस्थान, नो इन विच पार्ट ऑफ राजस्थान, मतलब पार्ट पोर्ट नहीं मैडम, पूरी बॉडी एक ही जगह हुई थी, नो पैलेस पैलेस कौन सी जगह पे पैदा हुए, मैं जी मैं चार पाई पे पैदा हुआ,
वो अंग्रेजी के पास, ओ व्हाट इज चारपाई, ओके यू डोंट नो चारपाई, कहते नो, मगर चारपाई इज देसी बैट विद फोर पावा, वाह, चारपाई इज देसी बैट विद फोर पावा, चिल्ड्रन जंपिंग ऑन चारपाई देन ढीली होइंग, आई है फादर आई एम कसिंग 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 देन सीधी होइंग दिस इज चारपाई, आई है ओके ओके नाइस, तुम कितने बहन भाई हो, मगर 12 12 मगर इसमें हैरान होने की क्या बात है, हमारे राजस्थान में जिसके 5-7 बच्चे नहीं होते उसकी कोई इज्जत ही नहीं करता, आए, आए। इसी चक्कर में 150 करोड़ हो गए, राजस्थान का भी तो पूरा पूरा हाथ है, तुम कितने बहन भाई हो, मगर 12 मगर भाई क्यों, मेरे को गांव वालों ने बोला था इनसे डरना नहीं है, इनको ज्यादा से ज्यादा चीजें बतानी है, शुक्र उसने ये नहीं पूछा तेरे बापू कितने, मैंने 6 बताने थे, आए, आए, आए। तो बोले कितने बहन भाई हो, मगर 12, बोला तुम इंडियन बोलते हो, बच्चे 2 ही अच्छे, मगर सही बोलते हैं भी 12 में से 2 तो अच्छे निकलाएंगे, क्या बात है, गलत क्या बोला, हाँ तो तुम्हारे फादर को किसी ने समझाया नहीं, मगर जी परिवार नियोजन से एक नर्स आई थी, उसने मेरे बाप को 4 घंटे समझाया, फिर मेरे बाप ने 1.5 घंटा उसको समझाया, तो 2 बच्चे उसके भी हैं, टोटल 14, ओके आई वांट सी योर विलेज, मैं कहा चलो मैं गांव दिखा लेता हूं, अब वो उनको लेके मैं निकला ही था, दादा अब देखिए ऑब्जर्वेशन, तो लेके निकला ही था कि सामने मेरे ताऊ जी का लड़का पजामा कुर्ता पहन के आ रहा है, और वो अंग्रेजनी ने भाग के उसका पजामा पकड़ लिया, व्हाट इज दिस, दिस इज इंडियन फैशन, मैं कहा यस दिस इज पजामा, इधर से ताऊ जी आ रहे हैं धोती कुर्ता पहन के, भाग के उसकी धोती पकड़ ली, व्हाट इज दिस, This is Indian fashion. मगर yes, this is dhoti. Oh, what dhoti? मगर धोती तो धोती नहीं, धोती तो नहीं धोती. This is air condition कपड़ा. कहाँ से हवा आती, कहाँ हवा जाती, कोई वैज्ञानिक पता नहीं लगा पाती. This is dhoti. पैर के जाती, रस्ते में थक गया, बिछा के सो जाती. थोड़ी ठंड लगा, घुमा के ओढ़ देती. Okay, nice. पजामे की तरफ हाथ किया, मगर दिस इज पजामा, ओ दैट इज धोती, मगर यस दिस इज पजामा, मगर यस व्हाट डिफरेंट धोती एंड पजामा, मगर धोती ने कहा पजामे से हम तुम बने एक धागे से, मैं खुलती हूँ पीछे से, तू खुलता है आगे से, वाह दिस इज द मेजर डिफरेंस ऑफ धोती एंड पजामा। अब साहब थोड़ा सा आगे निकले थे, आप जानते हैं कि गाँव में ना दीवारों पर उपले गोबर थाप के रख देते हैं, तो गैस सिलेंडर गांव का वही होता है, जैसे ही उसकी नजर पड़ी, ओ वाओ व्हाट इज वॉल पेंटिंग, मका वॉल पेंटिंग नहीं है ये, किसी ने बोल दिया वॉल पेंटिंग, दिस इज उपले, ओ व्हाट इज उपले, मका केक ऑफ गोबर, वाह व्हाट इज गोबर, मका भैंस का ओवरफ्लो, भैंस का ओवरफ्लो, हाँ बट व्हाट इज भैंस, मैं भी फंस गया, सोच साच के खड़का दिया, मका मिल्क पैक मम्मी, वाह वाह। थोड़ा हमारे गांव का जब गांव पार करते हैं तो पीछे एक रेलवे लाइन जाती है, और आप सब हिंदुस्तानी आप जानते हैं कि सुबह सुबह सारी रेलवे लाइन बिजी होती है, तो वहां पे भी कुछ लोग डब्बा लेके दूर तक बैठे थे, जैसे ही नजर पड़ी, ओह व्हाट इज दिस, मैं कहा छोड़ो चलो आगे आपको बड़ोपड़ झील दिखाता हूँ, नो नो टेल मी व्हाट इज दिस, मैं कहा दिस इज प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस, व्हाट प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं कहा ये लोग यहाँ बैठ के सुबह सुबह फैसला लेते हैं कि आप अंग्रेजों को कितने दिन का वीजा देना है, वाह वाह वाह, बोले नो नो वो लोग नीचे बैठे हैं, मैं कहा वो राजस्थानी है, वो जमीन से जुड़े हुए हैं इसलिए नीचे बैठे हैं, और तभी इस धरती के लिए बोला है कि सोनेरी धरती जठे चांदी सो आसमान रंग रंगीला मन भावनो भारो राजस्थान। तो हमारे इस देश को पूरी दुनिया से लगभग 200 कंट्री जो देखने आते हैं जिनको अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ का कल्चर इतना मस्त है ना, अल्लड़ मस्त कल्चर है कि जैसे हस्बैंड होते हैं वैसे ही वाइफ को बोलते हैं सरपंच सरपंचनी, डॉक्टर डॉक्टरनी, मास्टर मास्टरनी, मास्टरनी चाहे तीसरी फेल हो, हाँ वो मास्टर के पीछे आ गई तो मास्टर नहीं बोलेंगे। अब शुक्र है ये मामला हमारे मुंबई में नहीं शुरू हुआ या दिल्ली में नहीं शुरू हुआ, बड़े शहरों में, नहीं तो लोग बोलते चोपड़ा चोपड़ी, मिश्रा मिश्री, गुप्ता गुप्ती, बोला जी वो पार्टी में आंडा साहब आए हैं, मिसिज आंडी भी आई है, और भगवान ना करे किसी का नाम हो चड्डा साहब, हाँ तो गड़बड़ हो सकती है। तो हमारे इसी कल्चर को एंजॉय करने के लिए देखने के लिए लोग आते हैं। मैं तो हालांकि गांव में पैदा हुआ तो दुनियादारी देखने का मुझे मौका मिला आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से। जब मैं
काम करने की तलाश में निकला दसवीं के बाद। पढ़ाई से मुझे इतना प्यार था, इतना प्यार था, आप यकीन नहीं करेंगे, 3 साल तो मैं दसवीं में रहा। और फिर 3 साल दसवीं में रहा हुआ स्टूडेंट को आपको पता है चौकीदार से ज्यादा क्या नौकरी मिलेगी। पर मैं स्विमिंग पूल पे, आज नरेंद्र मोदी तो आज चौकीदार बने, मैं तो 1993 में हाजिरी ठोक दी थी, है ना। तो वो सिस्टम चाहे आम आदमी का हो या प्रधानमंत्री साहब का हो, एक जैसा ही है। हम सारे बिंदास हैं सब लोग। मोदी साहब को भी पता नहीं क्या एक बार मन में आया, रात को 2:30 बजे कर दिया अनाउंस, बहनों और भाइयों आज रात को 12 बजे के बाद 1,500 के नोट बंद किए जाते हैं। अब तो 2 नंबर वाले थे, उनको घबराहट भी हो गई थी कि पता नहीं ये क्या हो गया। आधा धाबी में फटाफट सोना खरीद लिया। जब सरकार को पता लगा कि लोग नोटबंदी के बाद सोना खरीदना लग रहे हैं, तो सोने की बिक्री पे बैन लगा दिया। अब जिन्होंने सोना खरीदा था वो घर में बैठे हुए कांप रहे हैं कि यार वो बंदे का क्या भरोसा, कल को वो मक्कू अनाउंस कर दे कि बहनों और भाइयों आज रात को 12 बजे के बाद पुराना सोना लोहा माना जाएगा। अच्छा, संपत सरल साहब खुश हो रहे थे कि यार काश बंदा ये भी अनाउंस कर दे कि बहनों और भाइयों आज रात को 12 बजे के बाद पुरानी लुगाई कैंसिल मानी जाएगी, आए आए नई के लिए 15 अगस्त से पहले पहले फार्म भरे। सो अपने ये हर एक का अंदाज बहुत ही निराला है। तो मैं बॉम्बे में रहा, मुझे आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से टीवी और फिल्म के बाद जो एक नई पहचान मिली, दुनिया देखने का मौका मिला। लाफ्टर शो में आता था तो कहते लाफ्टर वाला ख्याल ही आ रहा है, कॉमेडी सर्कस आया तो कहते कॉमेडी सर्कस वाला ख्याल ही आ रहा है। एक सिंग इज किंग फिल्म आई अक्षय कुमार के साथ, गाना बड़ा हिट हुआ, तेनू दुल्ला की ने बनाया भूतनी के, तो लोग कहीं मिलते थे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, होटल में, अरे भाई साहब आप तो वो भूतनी वाले नहीं हो। मैं कहा हाँ भाई वही हूँ। तो उस पहचान की वजह से मुझे कई देशों में घूमने का मौका मिला। मैंने एक फर्क नोट किया कि हमारे कल्चर में आप कह लो या बाहर के कल्चर में कह लो, आप ये समझ लो कि अमीर और गरीब में क्या फर्क है। ये दोनों चीजें मैंने काफी कपड़ा मिल में रह के भी सीखी। मैं जब कपड़ा मिल में नौकरी करता था तो मेरा ये हाथ एक मशीन में आ गया था, 13 जगह से टूट गया था, 13 महीने एडमिट रहा, 8 ऑपरेशन हुए, कई डॉक्टर तो काम करना सीख गए थे। वाह, हाँ वो मेरे को रोज ही खोल लेते थे, कभी कहते सरिया लगाना, कभी कहते पेच लगाना, लेकिन मैं डरा नहीं, घबराया नहीं। मैंने अपने आप को ये कहा कि आए रखिए जाए रखिए, जो मन में है वो गाय रखिए, और टूटा है हाथ तो क्या हुआ, ख्याली कहीं ना कहीं अड़ाए रखिए। क्या बात है, ये मैंने इन इन गुरुओं से सीखा है, इनकी किताबों से सीखा है। हालांकि ये जितने हैं सारे लेखक है बहुत अच्छे, कविताएं लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, किताबें छपती है इनकी, खरीदता कोई नहीं है, एक दूसरे को ही सैफ्रेम भेंट लिख लिख के देते रहते हैं। तो, लेकिन वो खरीदनी भी चाहिए और मिल जाए तो उसको टिका के पढ़ने भी चाहिए। आज भी मुझे विवेकानंद जी की किताब मिली, मुझे मैं सोच ही रहा था कि उसको मैं टिका के पढ़ू, मुझे शौक है दादा पढ़ने का, स्कूल में नहीं पढ़ा लेकिन वैसे अच्छा लगता है आजकल पढ़ना। तो साहब टेंशन जीवन का एक हिस्सा है, वो आएगी नहीं तो जीवन का मजा नहीं आएगा, और टेंशन के दौरान अगर हम दुगना काम नहीं करेंगे तो टेंशन हमारे ऊपर हावी हो जाएगी। कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ, ये जिंदगी ट्रेन सी गुजरती है, मैं पुल सा थरथराता हूँ, जब से उखड़ गया एक बाजू मेरा मैं और ज्यादा वजन उठाता हूँ, जब से उखड़ गया एक बाजू मेरा मैं और ज्यादा वजन उठाता हूँ। सो साहब ये दुनिया घूम के मुझे 2 तरह के लोग मिले, 2 तरह की दुनिया मैंने देखी, एक अमीर एक गरीब, बाकी मेरे समझ नहीं आया कुछ, जाति धर्म ये वो मेरे ना तो कभी जानने की कोशिश की ना ही मेरे समझ आया। मैंने तो पक्षियों को ही अपना गुरु मान लिया, क्योंकि हमें अपना मकसद ही नहीं पता, क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे, कहीं मंदिर कहीं मस्जिद कहीं गिरजा कहीं गुरुद्वारा बना बैठे, हमसे जात अच्छी पक्षियों की कि मंदिर से उड़े तो मस्जिद पे जा बैठे और मस्जिद से उड़े तो मंदिर पे जा बैठे, ये इन महापुरुषों से हमने सीखा है और वैसा ही हम अपनाने की और बोलने की कोशिश करते हैं। तो साहब 2 तरह के लोग देखे, एक अमीर एक गरीब, दोनों में देखिए कितना फर्क होता है। अब बच्चों से शुरू हो जाइए, अमीरों के बच्चे लाल गोलू पोलू पपलू से मस्त जी चाहता है, गोद में लें पप्पी भी करें, क्यों नहीं होंगे भाई, घर में मिक्सर जूसर लगा हुआ, गाजर डालो रोज जूसू पी जूसू, अजय बेटे जूसू जूसू पिए मेरे बाबू जूसू, अब वो जूसू पिएगा वो क्यों नहीं लाल पीला रहेगा। हमारे गरीबों के बच्चे कहाँ से लाल होंगे, वो उठते ही तो सुबह पहले माँ निकल के आती, क्या हुआ बेटा क्या लेगा, चाय
गिलास पीने के बाद शेर की एक आंख खुलेगी, क्या हुआ और पी हुआ, वो दूसरी आएगी तो दूसरी आंख खुलेगी। बच्चे मार्केट जाएंगे ना वैसे ही कहीं घूमने निकल के 2000 का खर्चा कर देंगे, डैडी ये वाली चॉकलेट 999, डैडी ये वाली आइसक्रीम कितने की 500 की दे दो जी। हमारे वाले चीज बाद में मांगेंगे, हड़ताल पहले लिट जाएंगे मिट्टी पे, हम बर्फाड़ा गोड़ा लेना, बर्फाड़ा गोड़ा, वो 5 रुपए का बर्फ का गोड़ा, माइकल लाल 100 रुपए का पजामा पाड़ के घर आ जाएंगे शाम। अमीरों के स्कूल 5-स्टार स्कूल, एसी बसों में जाना, एसी आगे क्लासरूम, कोई छोटी सी बच्चे की गलती हो जाए ना नोट लिख देते हैं प्लीज विजिट माई ऑफिस, और पेरेंट्स को जाके प्रिंसिपल के सामने पेश होना पड़ता है। हमारे कोई नोट वगैरह का कोई रिवाज नहीं था, 1.5 साल बाद एक बार मेरे गुरुजी ने नोट लिखा, कृपया अपने बच्चे को नहला के भेजे, क्या बात, इसमें बहुत बदबू आती है। मेरे बाप ने जवाब भी ठोक के लिखा कि हम बच्चे को पढ़ने भेजते हैं, सूंघने नहीं भेजते, क्या बात है, तो कृपया करके आप हमारे बच्चे को पढ़ाया करें, सूंघा ना करें। तो अपना अपना देता था, अमीर आदमी आप देखते हैं 40 लाख की कार खरीद लेते हैं, 1 करोड़ की कार खरीद लेते हैं, ड्राइवर मजे लेता जा रहा मस्ती, वो साहब पीछे पीछे, क्या हुआ अग्रवाल साहब गाड़ी में नहीं जा रहे, डॉक्टर ने मना किया गाड़ी में हार्ट प्रॉब्लम है। अब वो 1 करोड़ की गाड़ी क्या काम आई जिसमें वो बैठ भी नहीं सकता, डॉक्टर हर चीज मना करता है, दूध ना 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 ना, जहर दही बिल्कुल, रोटी नो, फ्रूट ना, अरब खरबपति आदमी, डॉक्टर साहब मैं क्या खाऊं, बोला आप एक काम करो गर्म पानी में वो सूखी हुई ब्रेड नहीं आती रस भिगो भिगो के खाओ, तो सारी उम्र रस धागा के निकाल देगा भाई, लेकिन कुदरत की चीजों का आनंद नहीं ले पाता, इतने मोटे मोटे गद्दे, आलीशान बंगला, लाइट चली गई परेशान, ओ माय गॉड कहां जन्म ले लिया, एसी नहीं चल रहा है, गरीब आदमी कोई टेंशन नहीं लेता, एक फराटे वाले पंखा आगे 14 चार पाई, एक बंदा मिस कॉल मारता है हल्के हल्के मैसेज लास्ट तक पहुंचने, अपना सिस्टम ही ऐसा है। अमीर आदमी आप देखो आलीशान बंगले में आलीशान बाथरूम, आलीशान बाथरूम के अंदर भी माइकल लाल टेलीफोन लगा देता है बिना मत बताओ, क्या काम जाएगा किसी काम उधर फोन आ गया, हां जी हां भाई साहब माल उतर गया, हां जी उतर गया, इधर गरीब आदमी एक टीन इधर दो इंटे एक ही साथ एक बाल्टी, आधे गांव को पता लग जाता है कि नथु काका नारा है आज। तो ये फर्क है मोटा मोटा, आपने बहुत सारे देखे होंगे टीवी के फिल्मों में, गांव गलियों से गए, कोई लाफ्टर शो में आ गया, कोई सिंगिंग के प्रोग्राम में आ गया, कोई डांस में आ गया, कोई इंडियन आइडल बन गया, है ना। अमीरों के बच्चे गए 10-10 लाख रुपए खर्चा किया, कोर्स किए बड़े बड़े अकेडमियों में, नहीं मौका मिला, आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे, देखिए साहब एक्टिंग में सिखाते हैं चेहरे के एक्सप्रेशन, थानेदार कैसे बनना है, चोर कैसे बनना है, अब वो साल दो साल में नहीं सीखा जाता, 5-10 लाख रुपए में नहीं सीखा जाता, कला अगर मोल मिलती तो हम लोग कभी कलाकार नहीं बनते, बड़े वाले लोग नहीं। तो वो एक्सप्रेशन सीखने के लिए 10-15-20-25 साल लग जाते हैं, हमने तो जन्म से खेलते खेलते ही नाटकों की रिहर्सल कर ली थी, कांच गोली खेलते हुए हम 6 बार एक्सप्रेशन चेंज करते थे, गिल्ली डंडा खेलते हुए 7 बार। अब अमीरों के कोई खेल होते हैं आप बताइए, ये परमानेंट हो गया, हाँ जी आप बताइए, अमीरों के कोई खेल होते हैं, यहाँ पे खड्डा यहाँ पे बाल, वो पौन घंटा माथा पच्ची करता रहेगा इसमें डालने के, सेगमेंट वन टक, वो धीरे से वो पीछे 40 एक बुड्ढे बुड्ढे अंग्रेज, वाह गुड शॉट नाइस, का गुड शॉट, इतने हमारे बच्चे ठोकर मार के डाल देते हैं। जन्म अमीर का भी होता है, जन्म गरीब का भी होता है, फर्क सिर्फ इतना है कि दोनों की माँ के शायद पालन पोषण में इतना ज्यादा प्यार और मोहब्बत का फर्क रहता है, और वो ना रहे ये दोनों फर्क सिर्फ मैंने एंजॉय लेने के लिए बताए थे। आज की ये शाम किसी त्योहार से कम नहीं लग रही है, और हमारे ये त्योहार ही साबित करते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम सब एक हैं, कभी हमला हुआ हमें डराने की लड़ाने की बांटने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि ये हिंदुस्तान है जो ना बटा है ना बटेगा, कि निशाने चूक गए निशान बाकी है, शिकार गाह में मचान बाकी है, फिर एक बच्चे ने लाशों की ढेर पे चढ़ के कह दिया कभी खानदान बाकी है, अरे वो जमी बांट के खुश हो गए, उनसे कह दो कभी आसमान बाकी है, उनसे कह दो कभी आसमान बाकी है।
सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू कमल जी।